सब्सक्राइब करें अगरबत्ती की सारी जानकारी लेने के लिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर पाएं। हेलो गाइज, आप सभी का हमारे ऑल अबाउट अगरबत्ती चैनल स्वागत है। तो गाइज, आज के वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि आप सभी एक अगरबत्ती का व्यापार कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। आप सभी को पता होना चाहिए कि अगरबत्ती का जो व्यापार है आपको 365 दिन चलने वाला काम है। ये आपको हर धर्म के लोग, हर घर में इसका इस्तेमाल होता है। इसमें अगर आप सभी एक प्रॉफिट और मार्जिन का बात करें तो अगरबत्ती के व्यापार में 40-45% का मुनाफा होता है। आज मैं आप सभी को फुल डिटेल में बताऊंगा कि आप सभी घर से ही एक अगरबत्ती का व्यापार कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अगरबत्ती का व्यापार स्टार्ट करना बहुत इजी काम होता है। इस व्यापार को हाई सेलिंग, हाई डिमांड और हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस भी कहा जाता है, क्योंकि इस व्यापार, अगरबत्ती का जो व्यापार है, धर्म से जुड़ा व्यापार आपको है। यहाँ तक कि ये जो व्यापार है लॉकडाउन में भी बंद नहीं हुआ था, क्योंकि ये एक हाई सेलिंग प्रोडक्ट है, नेसेसरी प्रोडक्ट आपको है। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप सभी को डिटेल में बताते कि आप सभी एक अगरबत्ती का व्यापार कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, हो सकता है ये व्यापार आप सभी का लाइफ चेंज कर दे, क्योंकि आप इस व्यापार को मात्र 10-15 हजार रुपए से भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी घर बैठे बैठे भारत के किसी भी कोने पे हमारे पास से ट्रांसपोर्ट की सुविधा से आप हमारे पास से जुड़ के एक अगरबत्ती का व्यापार स्टार्ट कर सकते हैं। हमारी कंपनी आप सभी को पूरी हेल्प करेगी एक अगरबत्ती व्यापार को स्टार्ट करने में, और आपको हमारे पास से क्वालिटी ऐसा मिलेगा कि फर्स्ट डे से ही आपके कस्टमर आपको डिमांड करना स्टार्ट कर देंगे। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप सभी को डिटेल में बताते हैं कि एक अगरबत्ती के व्यापार को स्टार्ट करने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल की आवश्यकता होता है। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आशा करते हैं आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आप सभी को वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताऊंगा कि आप सभी को अगरबत्ती का व्यापार स्टार्ट करने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल का आवश्यकता होता है। तो गाइस इसमें जो हमारा सबसे पहला जो रॉ मटेरियल होता है वो इस तरह का रॉ अगरबत्ती आएगा, जिसे ब्लैक अगरबत्ती, इसमें कोई भी सेंट नहीं होती है, एक सादी अगरबत्ती होती है, विदाउट सेंटेड अगरबत्ती होती है। इसको सेंटेड करना होता है। सेंटेड करने के लिए आपको दो रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है, जो कि उसमें पहला जो हमारा रॉ मटेरियल इस तरह का अगरबत्ती का परफ्यूम आएगा, जो कि फ्लेवर होता है, खुशबू होता है। ये हमारे पास से 200-250 फ्रेग्रेंस एनी टाइम अवेलेबल होता है, और फ्रेग्रेंस जो हमारी मिलेगी वो आपको हाई क्वालिटी का फ्रेग्रेंस मिलेगा, जो कि आपके कस्टमर एक स्टिक जलाएंगे तो वो डिमांड करेंगे, आपको दोबारा रिपीट ऑर्डर देंगे आपको। तो ये जो दूसरा मटेरियल आपको इस तरह का परफ्यूम आएगा। अब परफ्यूम के अंदर आपको एक सॉल्वेंट आता है जिसका नाम है DEP ऑयल, जैसे कि आप सभी को बगल में इसका जार दिख रहा होगा, वो 35 किलो के सील पैक में आपको आता है, जो कि इस तरह के आपके लिक्विड में होता है। इसको DEP ऑयल कहा जाता है, जो कि आपको पानी की तरह दिख रहा होगा लेकिन पानी नहीं है, लिक्विड आपको होता है। जैसे कि आपको मैंने परफ्यूम बताया है, जैसे कि आपको ये रॉयल टेम्पल के नाम से परफ्यूम है, तो आपको 1 किलो परफ्यूम लेना है, 1 किलो परफ्यूम या 4 किलो DEP ऑयल मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपको इस तरह का जो अगरबत्ती है उसको उस परफ्यूम में डुबाना होता है। डुबाने के लिए आपको जो मिक्सर आपको होगा, मिक्सर में आपको ऐसे डुबाना है और ये डुबा के निकाल लेना है। मान लीजिए आपने गुलाब का परफ्यूम इस्तेमाल किया, तो आफ्टर डिपिंग, मतलब अगरबत्ती डुबाने के बाद वो जो फ्लेवर आपका है वो गुलाब का हो जाएगा। सेंटेड करने के बाद आपको जो तीसरा, चौथा जो रॉ मटेरियल होता है वो पैकिंग मटेरियल होता है, जो कि इस तरह का हमारे पास से पैकिंग करने का बॉक्सेज मिलेगा, जो 5 MRP, 10 MRP, 20 MRP और 30 MRP तक का रेडीमेड बॉक्सेज मिलता है, जो कि डब्बा वाला बॉक्सेज आता है, जो कि इस तरह का आपको हमारे पास से 100 पीस के एक बंडल में आता है। जैसे ये रजनीगंधा का है, तो ये 100 पीस का एक रजनीगंधा का आपको डब्बा हुआ। 12 बॉक्स जो आपको दुकानदार को जो माल बेचना होता है वो दर्जन के हिसाब से बिकता है, जैसे कि ये 12 बॉक्स के ऊपर एक कवर लगता है, जिसे इस तरह का आउटर कवर कहा जाता है। तो बस आपको ये आउटर कवर लगता आपको है। फिर पैकिंग पाउच आता, जो कि लड़ी वाला जो पाउच आता, जो कि 5 MRP, 10 MRP, 30 MRP, 50 MRP, 70 MRP, 120 MRP, यहाँ तक कि 250 MRP, मतलब 10 ग्राम से लेके 1 किलो साइज तक का हमारे पास से रेडीमेड पाउच अवेलेबल होता है। कुछ सैंपल जैसे कि आप देख सकते हैं, ये 50 MRP का पाउच है, ये ऊपर से सील पैक रहता है लेकिन अंदर नीचे जो खुली होती है इस साइड से आपको अगरबत्ती डालना होता है। जैसे इसमें 100 ग्राम आपको अगरबत्ती जाता है, इसमें आपको 100 ग्राम अगरबत्ती डाल के इस तरह का हमारे पास से सीलिंग मशीन आता है, जिसे हैंड पंचिंग सीलिंग मशीन कहा जाता है, इससे आपको सीलिंग कर लेना होता है। जैसे कि आपको ये 50 MRP का पाउचेज आपको है, जैसे कि आप सभी
देख रहे हैं, इसमें अलग अलग बहुत सारी फ्लेवर हमारे पास 30 से 35 फ्लेवर आपको अवेलेबल है। फिर इसके ऊपर का जो साइज आपको ये 80 MRP का आएगा, जो कि इस तरह का देख सकते हैं कितना शानदार, ये आपको ब्रांडेड क्वालिटी की तरह आपको हमारे पास ही मिलेगा। ये आपको 70 MRP, इसमें 200 ग्राम का आपको अगरबत्ती जाता आपको है। जैसे ये गुलाब हो गया, फिर हमारा ये मोगरा हो गया, चंदन हो गया, फिर हमारा ये मोगरा हो गया। फिर इसके जो ऊपर का जो पाउच है, जैसे कि मैंने आपको बताया आधा किलो तक का भी आपको हमारे पास ही मिलेगा, क्योंकि इस तरह का आपको आधा किलो के भी पाउचेज आपको हमारे पास अवेलेबल है। रेंज हमारे पास काफ़ी सारा है, आप हमारे पास से अगर जुड़ के काम करते हो तो आप सभी को क्वालिटी ऐसा मिलेगा कि फर्स्ट डे से ही आपके कस्टमर आपके पास से जुड़ के हमेशा के लिए काम करेंगे आपको। और हमारी कंपनी आपको न्यू स्टार्टिंग में सजेस्ट भी करेगी कि आप सभी को कौन सा फ्रेग्रेंस से काम स्टार्ट करना है, कौन सा पैकेजिंग मटेरियल से काम स्टार्ट करना है, जिससे आपका काम ग्रो करे, क्योंकि आपका काम ग्रो करेगा तभी हमारा काम ग्रो करेगा। आपको इस तरह का मिलेगा। फिर आप 30 MRP में आए तो इस तरह का लड़ी वाला पाउच आपको आएगा, जो कि 30 MRP का है, इसमें भी 100 ग्राम आपको जाता है। इसमें अलग अलग फ्लेवर है, गुलाब है, मोगरा है, चंदन है। एक वीडियो में सारा पाउचेस दिखाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि वीडियो 1 से 1.5 घंटा प्लस हो जाएगा। फिर यह हमारा 10 रुपये वाला पाउच है, जो कि इस तरह के आपको लड़ी में आता है। ये जो लड़ी होता है ये 3 साइड सील होता है, 1 साइड खुला होता है जो कि बैक साइड से होता है। इसमें आपको 20-20 स्टिक डालना है, ये 6 पाउच जो होता है, 6 का जो लड़ी है, इसमें 20-20 स्टिक आपको पर पाउच में डालना है। और इस तरह का जो सीलिंग मशीन मैंने आपको बताया है स्टार्टिंग में, इससे आपको पंचिंग करके सीलिंग कर लेना आपको है। तो इस तरह का आपको पैकेजिंग मटेरियल आपको हमारे पास से फुल साइज में आपको मिलेगा, जैसे कि आप सभी देख रहे हैं मोगरा का आपको हो गया। फिर आपको ये ब्लैक नाम से आपको मिलेगा, इस तरह का आपको ब्लैक के नाम से मिलेगा। फिर ये हमारा गुलाब के नाम से मिलेगा। तो पैकेजिंग मटेरियल भी आपको हमारे पास से कई सारी मिलेगी। तो चलिए मैं आप सभी को बताता हूँ, ये तो मैंने रॉ मटेरियल सब बताया, जैसे कि पहला मटेरियल आपको इस तरह का अगरबत्ती आएगा, फिर दूसरा मटेरियल आपको परफ्यूम आएगा, फिर तीसरा मटेरियल आपको DPO आएगा, जो कि परफ्यूम में मिक्स करना होता है। उसको मिक्स करने के बाद आपको अगरबत्ती डुबा के निकालना है, उसके बाद वो अगरबत्ती सेंटेड हो जाएगा, फिर पैकिंग करना होता है। पैकिंग के लिए जैसे मैंने आपको बताया इस तरह का रेडीमेड बॉक्स होता है, इस बॉक्स के अंदर एक पाउच होता है जिसे इनर पाउच कहा जाता है, इसमें अगरबत्ती रखी जाती है, जो कि आपको इस तरह का देखने को मिलेगा। जैसे कि ये जो अगरबत्ती एक पाउच के अंदर जो ये पन्नी आप देख रहे हैं, इसको इनर पाउच कहा जाता है, जो कि हमारे पास से किलो के हिसाब से मिलता है, जिसमें इसमें अलग अलग आपको कलर अवेलेबल, जैसे ये वाइट कलर हो गया, ये आपको डिफरेंट कलर में आपको हमारे पास ही मिल जाएगा। फिर आपको इस तरह का ये इनर पाउच मिलेगा। तो इनर पाउच में हमारे पास से 4 से 5 वैरायटी अवेलेबल है। तो इस इनर पाउच में आपको 15 से 20 स्टिक आपको गिन के रखना है। फिर इस तरह का डब्बा को आपको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इसको आपको इस तरह का डब्बे में आपको ये स्टिक डाल के फिर आपको ऐसे रेडी करें। रेडी करने का आपको सेलो टेप और टेप कटर मशीन भी आपको हमारे पास ही मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अगरबत्ती से रिलेटेड A to Z सामान आपको हमारे पास ही मिलेगा। इस तरह का टेप कटर मशीन और सेलो टेप भी आपको हमारे पास ही मिलेगा, जैसे कि आप सभी देख रहे हैं। तो सेलो टेप और टेप कटर मशीन के थ्रू इसको आपको आगे पीछे दोनों साइड सेलो टेप लगा लेना है। ऐसा 12 बॉक्स रेडी करने के बाद आपको इस तरह का एक आउटर कवर मिलेगा। इस कवर को फोल्ड करके आपको इस तरह का पैकेजिंग कर लेना है। अब ये जो प्रोडक्ट है आपको डायरेक्ट मार्केट में सेल करना है। तो अगर जैसे कि वीडियो में आप सभी को मैंने फुल डिटेल में बताया कि आप सभी इस अगरबत्ती के व्यापार को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, पहले मैंने आप सभी को बताया कि इसमें क्या क्या रॉ मटेरियल का आवश्यकता पड़ता है, अगरबत्ती को कैसे सेंटेड करना होता है और अगरबत्ती को कैसे पैकेजिंग करना होता है। अगर आप सभी को इसके अलावा भी कुछ भी डाउट होता है अगरबत्ती व्यापार स्टार्ट करने से रिलेटेड, तो आप सभी हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं। आशा करते वीडियो को आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आप सभी हमारे पास से जुड़ के ये अगरबत्ती का व्यापार स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे जो नए स्टार्टिंग जो नए व्यापारी नया स्टार्ट करना चाहते हैं बिजनेस, तो उनके मन में बहुत सारा डाउट होता है, अगर हम सभी इस व्यापार को स्टार्ट करेंगे तो इसमें कहीं लॉस तो नहीं हो जाएगा, माल इसमें बिकेगा नहीं बिकेगा। तो उसमें 100 में से 80% आदमी कोई व्यापार स्टार्ट नहीं कर पाते, तो जो वो काम कर रहे हैं प्राइवेट काम हो या जो भी काम पहले से करते हैं उसी में वो फंसे रह जाते हैं। तो आप सभी को ये गलती नहीं करना। अगर आप सभी को अपने मन में ये है कि आप सभी उस व्यापार को कर सकते हैं तो आप सभी उस व्यापार को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगरबत्ती जो व्यापार है मैंने आपको शुरुआत में बताया हाई सेलिंग हाई डिमांड और हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है।
आप सभी मिनिमम 15,000 से तो स्टार्ट करके देखिए, 15,000 रुपए का जो आपका माल है वो 24,000 तक का माल आपका मार्केट में बिकेगा, जो कि आपके लोकल में जान पहचान में ही उतने दुकानदार होंगे जो लोकल में ही आपका 24,000 रुपए का माल परचेस कर लेंगे बिना कोई मार्केटिंग किए हुए। हर व्यक्ति के लोकल में 10 से 15 20 दुकान जान पहचान के परिचय में ही होते हैं, तो जितना आप जो इन्वेस्ट करें उतना तो लोकल में ही जान पहचान में ही बिक जाएगा, मार्केटिंग करने का भी टाइम नहीं मिलेगा आपको, वो लोकल में ही सब सेल हो जाएगा। लेकिन आप सभी एक बार इस व्यापार को स्टार्ट करिएगा तो खुद ही आपको समझ में आएगा कि अगरबत्ती व्यापार कितना इजी व्यापार होता है, कितने इजी ढंग से इस व्यापार को स्टार्ट कर सकते हैं और सेलिंग इसका कितना ज़्यादा होता है और प्रॉफिट भी इसमें बहुत अच्छी प्रॉफिट होती है। तो गाइस आशा करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सभी को कुछ भी डाउट है तो हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आप सभी घर बैठे बैठे भारत के किसी भी कोने पर हमारे पास से जुड़ के एक अगरबत्ती का व्यापार स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइस चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।